अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में दुर्ग के विधायक श्री अरुण वोरा के मार्गदर्शन में बढ़ती हुई महंगाई एवं बेरोजगारी व ईडी एवं सीबीआई का दुरुपयोग कर रही केंद्र सरकार के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में 4 सितंबर को आयोजित जन आक्रोश महारैली में शामिल होने दुर्ग विधानसभा के जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर के कार्यकर्ता रवाना हुए। प्रभारी नासिर खोखर के नेतृत्व में भारी संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ता रवाना हुए। गौरतलब है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में दुर्ग के विधायक अरुण वोरा के मार्गदर्शन में बढ़ती हुई महंगाई एवं बेरोजगारी व ईडी एवं सीबीआई का दुरुपयोग कर रही केंद्र सरकार के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में 4 सितंबर को आयोजित जन आक्रोश महारैली में शामिल होने के लिए दुर्ग विधानसभा के जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर के कार्यकर्ता रवाना हुए। प्रभारी नासिर खोखर के नेतृत्व में आनंद कपूर ताम्रकार, विनोद सेन, ललित ढीमर, अबरार पवार, संतोष सोनी, सेनापति इशाक खान, हमीद खान, लव सोनी, महिला कांग्रेस अध्यक्षा कन्या ढीमर के साथ 2 दर्जन महिलाएं, साथ ही युवक कांग्रेस सेवा दल, अन्य प्रकोष्ठ के अलग अलग दल में भिलाई जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के नेतृत्व में और दुर्ग जिला ग्रामीण कांग्रेस के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष व 14 महापौर निर्मल कोसरे के नेतृत्व में तीनों जिला कांग्रेस से लगभग 250 कार्यकर्ता विशेष ट्रेन से दिल्ली की महारैली में शामिल होने के लिए रायपुर से रवाना हुए। इस विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाने और कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह वर्धन के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, महामंत्री राजेंद्र साहू, अमरजीत चावला, विधायक कुलदीप जुनेजा, प्रवक्ता सुशीलानंद शुक्ला सहित अन्य विधायक व अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। दुर्ग स्टेशन में भी मध्य ब्लॉक अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, पाशी अली, रफीक खान ने कांग्रेसियों को विदा किया। दुर्ग विधायक अरुण वोरा व अन्य जनप्रतिनिधि कल 3 सितंबर को रवाना होंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।